नवनाथ परंपरा में गोरखनाथ जी नौवें स्थान जो कि गुरु मच्छिद्रनाथ के शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ ने हठयोग का प्रचार किया था और अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। अवधारणा है कि गुरु गोरखनाथ की केवल दो ही स्थानों पर गुफाएं बनाई गई हैं, एक तो त्र्यंबक वाराह तीर्थ में और दूसरी केदारखंड श्रीनगर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और आप देख रहे हैं मेरी जान कोटदार व्लॉग्स। दोस्तों, ऋषिकेश श्रीनगर राजमार्ग पर आईटीआई तथा पॉलिटेक्निक जिस स्थान पर मिलते हैं वहां से एक पैदल मार्ग पौड़ी मार्ग की तरफ जाता है जो कि मुख्यतः पौड़ी खंडा करेखाल मार्ग के नाम से जाना जाता है। उसी मार्ग पर 200 मीटर की दूरी पर उत्तम वाला अपर भक्तियाना बीगाधारा के पास यह गुफा स्थित है। यहाँ गुरु गोरखनाथ की समाधि तथा उनकी मूर्ति एक भव्य शिवलिंग के साथ स्थापित की गई है। दोस्तों, इस मंदिर में नाथ सिद्ध परंपरा के प्राचीन अवशेष देखने को मिलते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में गुफा मंदिरों की संरचना तथा बनावट कैसे रही होगी इसका अनुमान इस मंदिर को देखकर लगाया जा सकता है। वस्तुतः बाहर से किसी भवन की तरह दिखने वाला यह मंदिर अंदर से चट्टान को काट व तराश कर बनाई गई एक गुफा है। मुख्य गुफा में प्रवेश करने का द्वार बहुत संकरा तथा छोटा सा है, जिसकी ऊंचाई चौड़ाई तकरीबन 3.5 फीट ऊंचा है और 2.25 फीट चौड़ा है, जिसमें घुटनों के बल ही प्रवेश किया जाता है। लगभग 5 फीट अंदर जाकर एक गोलाकार गुफा है जिसके मध्य में गुरु गोरखनाथ की मूर्ति एवं मूर्ति के सम्मुख चरण पादुका रखी गई है। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ की यह मूर्ति लगभग 2.25 फीट ऊंची काले पत्थर की अत्यधिक सुंदर प्रतीत होती है। मूर्ति का इतना सजीव चित्रण देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि मूर्तिकार निसंदेह कुशल तथा रचनात्मक रहा होगा। गुफा की दीवारें एक कठोर चट्टान को बारीक छीनियों तथा हथौड़ियों की सहायता से सपाट किया गया है जो कि प्राचीन काल के वातानुकूलित एवं आर्द्रतारित वातावरण देख यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह की गुफाएं साधकों हेतु उपयुक्त साधना स्थल रहा करती होगी। दोस्तों, गुफा के ठीक सामने एक चबूतरा है जिस पर चौखंबी मंदिर बना हुआ है जो कि मुख्यतः भैरवनाथ जी का है। इस चबूतरे पर बटुक भैरव की दो मूर्तियां हैं जो कि सिंदूर से पुती हुई हैं। मूर्ति के सम्मुख ही त्रिशूल, चिमटा, कड़े, मुंदड़े रखे हुए हैं। बटुक भैरव के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी यहां पर स्थापित है। चबूतरे के चारों स्तंभ पत्थर के बने हुए हैं जो कि मंडप की बड़े बड़े प्रस्तर पटलों से बनी आकर्षक छत का भार मजबूती से संभाल कर चौखंबी को सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी गोरखनाथ गुफा के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जाके लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि आप लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी गुफा है और मेनली उत्तराखंड के पौड़ी और श्रीनगर के मध्य यह गुफा आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।